नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। जैविक खेती से किसानों की आय में होगी वृद्धि, डॉक्टर गगनेश। जी हां, ग्राम सलोई में सूर्य फाउंडेशन के बैनर तले किसानों के लिए जैविक कृषि के लाभ बताने के उद्देश्य से एक कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 600 से अधिक किसानों ने पहुंचकर लाभ प्राप्त किया। सुबह 9 बजे से प्रारंभ होने वाले कृषि मेले में कई वक्ताओं ने मार्गदर्शन दिया। मुख्य वक्ता के रूप में जबलपुर से पधारे क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र के निदेशक डॉक्टर गगनेश ने सैकड़ों की संख्या में पधारे किसानों को बताया कि खेती को आय का धंधा तभी बनाया जा सकता है जब किसान रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर अग्रसर हों। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि भारत कृषि प्रधान देश है, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रहती है, लेकिन भूमि पुत्र अपनी कृषि की व्यवसाय को तीव्र करने के लिए रासायनिक खेती की ओर अग्रसर होता जा रहा है और जैविक खेती और उससे होने वाले लाभ को भूलता जा रहा है, जिसके कारण जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म होती जा रही है और जमीनें बंजर होती जा रही हैं, जिसके कारण कई बार किसान अपनी लागत का मूल्य भी नहीं निकाल पाता। डॉक्टर गगनेश ने बताया कि बंजर जमीनों की उर्वरक शक्ति केवल जैविक खेती से ही बढ़ाई जा सकती है। किसान जैविक खेती के लाभ को समझे और इसकी ओर अग्रसर हो। विदिशा से इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। एक्सपर्ट हैं और उन सब एक्सपर्ट्स ने जो किसानों में भ्रांतियां थी कि जैविक खेती से अधिक उत्पाद नहीं हो सकता, ये सारी भ्रांतियों को दूर किया और किसानों ने ये भी समझा कि कैसे कम लागत से कैसे जैविक खेती की अधिक पैदावार ली जा सकती है। जिला विदिशा में क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र जबलपुर और सूर्या फाउंडेशन के द्वारा आयोजित जैविक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किसान अपने खेतों में बेतहाशा जो यूरिया डीएपी रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं वो जमीन को बंजर कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए जैविक खेती, ऋषि खेती, परंपरागत कृषि, यही एक माध्यम है जिसके द्वारा गोबर गौमूत्र का उपयोग करके, जीवामृत घन जीवामृत का उपयोग करके हम अपने फसल को, अपने किसानों के इनपुट कॉस्ट को कम करके हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जैविक खेती ही इसका एक माध्यम है, इसका एक प्रयास है। आज जिले के 500 से अधिक किसानों ने इस क्षेत्रीय खेती में भाग लिया है और वरिष्ठ वैज्ञानिकों और किसानों के द्वारा यहाँ किसानों को सम्मानित भी किया गया।